अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैं प्योर डेड का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेकिन बहुत शोर हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इससे पहले देर मज़ीद हो जाए तो मैं अपनी जो वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो जैसा कि आपके सामने मेरा ये टेक्सचर है प्योर डेड वाला, तो ये कैसे रेडी करती हूँ और कैसे रेडी करूँगी आपके सामने होगा इंशाल्लाह सब, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने पहले इसके अंदर एक होल बना लिया ताकि इसके अंदर मैं पानी ऐड करूं और फिर आप देख लो कैसे मैं इसको रेडी करती हूं। तो मैंने ये बॉल पानी लिया और मैं ये पूरा बॉल इसके अंदर डालने लगी। ठीक हो गया, ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हमने लिक्विड तैयार करना होता है। डिजोल्व हो जाएगा सारे इसके अंदर, अब देखते जाइएगा साथ साथ। वो शोर है, मैं दो मिनट के लिए वीडियो बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने इसके अंदर ये जो है काफ़ी पानी डाल लिया था और काफ़ी पानी शोर बंद होने के चक्कर में जज़्ब कर लिया इस टेक्सचर ने। मैंने इसके अंदर दोबारा यही बॉल जो है पानी का, दोबारा से यही बॉल मैंने पानी के इसमें ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हमने इसको गूंद लेना है। जैसे हम एक डो गूंदते हैं ना, आटा वगैरह गूंदते हैं ना, कोई पिज़्ज़ा डो, उस तरह से हमने इसको बनाना है, क्योंकि वरना ये आपका टेक्सचर बिल्कुल भी ठहरेगा नहीं ज़मीन पे। आप शेप्स उठाओगे तो ये पाउडर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाता है ड्राई होने के बाद। तो जस्ट आपने इसके अंदर करना क्या है, आपने इसके अंदर इतना पानी क्वान्टिटी में डालना है कि ये एक डो फॉर्म में आ जाए टेक्स्चर आपका। और उसके बाद आपने इसके, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, पूरी वीडियो देखें फिर आपको पता चलेगा। ठीक हो गया, और ये देखें ये देखें, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर ले, बनाते जाना है। अभी इसके अंदर हम पानी जो है ना और डालेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है कि लगता ही नहीं हमने इसके अंदर पानी काफ़ी क्वांटिटी में डाला है। जबकि मैं इसके अंदर ये मैक्सिमम 2 बॉल्स ऐड कर चुकी हूँ, मैंने फिर से ऐड करना है इसके अंदर जब मुझे ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना। मैं दूसरा हाथ इसलिए नहीं यूज़ कर रही है क्योंकि मुझे मोबाइल को बंद करना होता है बार बार शोर की वजह से, तो मैं एक ही हाथ से सारी स्ट्रगल कर रही हूँ इसको मिक्स करने की। ओके जी, ये देखिए अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, हमें इसको करना है रेडी डो फॉर्म में। ठीक हो गया, ये देखिए मैं नाइफ लेकर आती हूँ ताकि हम इसको कट कर सकें बाद में। अच्छा, एक तो अभी हम जैसे स्टार्ट करें जहाज़ आ जाए, ये देखिए हमने जैसे जैसे ये ऐसे रेडी होता जाएगा ना ये हमने इसको साइड पे करते जाना है, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में टेक्सचर चाहिए।
ये बस आपने इसको जो जो ऊपर से रेडी होता जा रहा है उस स्टोव को हमने साइड पे करते जा रहे हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर, बता नहीं सकती मैं आपको। मैं दूसरा हाथ भी यूज़ कर ही लेती हूँ क्या मैं। देखिए जहाज़ आ गया साथ ही, ये बहुत मेहनत से टेक्सचर रेडी होने वाला है। इसको रेडी करने के लिए आपको मैं थोड़ा और पानी लेकर आती हूँ, ये काफ़ी नहीं है। ये देखिए हम इसके अंदर इसको आटे की तरह गूंदेंगे, रेडी करेंगे इसको। और अगर आपको इंडिकी से शोर सुनाई दे रहा है तो मैं उसके लिए माजरत करूँगी आपसे, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शोर होगा। लेकिन जैसा आप सोचते हो ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। इसका असर टाइम जो होता है ना इस एरिया में काफ़ी सुकून होता है, वैसे शोर इतना नहीं होता वीडियोस के लिहाज से। और बाकी पूरा दिन तो पूछे ही मत, ठीक हो गया। आए हाथ थक गए मेरे, मैं इसको बता दिया आपको कि इस फॉर्म में इसको रेडी करना है। ये देखें जैसे मैंने आपको ये डो दिखाई है, इस फॉर्म में हमने इसको रेडी करना है। ये ऐसा ही टोटल टेक्सचर मैं रेडी करूँगी, और जब मैं रेडी कर लूँगी मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि इसको वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं ये डो रेडी कर लूँ, इस तरह की पूरी डो इस तरह की रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। काफ़ी हद तक जो है डो जो है काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। ये जो आउटर था वो देखिए मैंने इसको ढक ली है, ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है। और इसको यूँ करके देखते अंदर से कट करके कितनी हमारी डो जो है रेडी हुई है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए चंक्स निकल आए इस तरह से। अब हम इसको ना ऐसे ही रख देंगे इन चंक्स को। अच्छा जी मैंने ये देखिए इसकी डो रेडी कर ली, इस तरह से ऐसी ही डो करनी है सेम रेडी आप देख रहे हैं जैसी। तो इसको रेडी करने में काफ़ी मेरे हाथ थक गए हैं। अब आप ऐसी जब डो रेडी कर लेंगे आप कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं इसकी, और आपको बस इस तरह का टेक्सचर रेडी करना है। अगर आपने ऐसा टेक्सचर बनाया हुआ तो ठीक है। अब मैं आपको इसको बॉल्स शेप बना के दिखाती हूँ। ये देखिए कोई भी शेप आप इसमें बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना आर्ट वर्क जो है ना वो दिखाना होगा। ये देखिए हमने ये डो रेडी कर ली है इसकी, और ऐसे ही डो रेडी करके आप बॉल्स बना लें कुछ भी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बॉल्स बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही बनेंगे ये। और अब मैं आपको एक शेप निकाल के दिखाती हूँ। शेप निकालने के लिए आपको पहले इसको गीला रखना पड़ेगा, और फिर आप इसके अंदर कोई शेप निकाल सकते हो, ठीक हो गया। ये देखिए ऐसे, तो इसी तरह का ही ये सब कुछ रेडी होगा। और आपने ये नहीं कहना कि क्या बना रहे हैं, तो ये शेप ऐसी ही रेडी होगी।
ये देखिए ये देखिए, इसी तरह का टेक्सचर रेडी होगा और इसी तरह की शेप्स रेडी होंगी। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये नहीं, अगर नहीं भी लगा ना तो मेरी मेहनत को देखते हुए आप ना मुझे लाइक मेरी वीडियो को कर देना, और इंशाल्लाह आगे दो तीन टेक्सचर और उनके ट्यूटोरियल दूंगी आपको, ठीक है, जो मेरे ड्राई पड़े हुए हैं। तो ये यही था पूरा प्रोसेस, और मैंने ऐसे ही रेडी करना था इसे जब से ये टेक्सचर रेडी हुआ हो। वैसे क्रम्बलिंग वीडियो मैंने बनाई थी इसकी। तो ये देखिए, इस तरह के आपने बॉल्स बना लेने हैं, और जब ये ड्राई होंगे बॉल्स, इतनी मज़े की इसकी क्रम्बलिंग होगी ना, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये इतना टेक्सचर नहीं, आधा टेक्सचर मैंने साइड पे रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं ये सारी शेप्स रेडी कर लूँगी, ओके। क्योंकि मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है तो मुझे वीडियो थोड़ी थोड़ी करके रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अच्छा, मैंने आपको दिखाना था कि ये देखिए डो कितनी सेट हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको बॉल्स कैसे, जैसे ये सेम वही डो लग रही है जैसे क्ले डो होती है हम बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसी तरह की ये डो है सेम। तो आप इस डो ऐसे, अगर आपकी डो रेडी होगी ना टेक्सचर की, तो आप किसी भी क्या कहते हैं फॉर्म में इसको ढाल सकते हो। तो ठीक है, ये देखिए कितनी मज़े की ये बॉल बनी है इससे, और ये देखिए जब ये ड्राई होगी, और आप ये सोच रहे हैं कि इसमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने पानी ऐड किया तो ये हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि इसका तैयार करने का तरीका ही यही है। तो आप बिना झिझक इसमें ज़्यादा पानी मिलाएं, अगर आपने सेम मेरे जैसे प्रोसीजर के मुताबिक आपने टेक्सचर रेडी किया है, तो अगर आप खुद से, यानी कि मेरा टेक्सचर बना बनाया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, जस्ट पानी मिलाया और ये शेप्स वगैरह रेडी कर ली। तो इसी तरह आपने भी, इसी तरह ये देखिए मेरे पर डो है, मैं इसको ऐसे ही रेडी कर रही हूँ जैसे पोटर व्हील के ऊपर आदमी जो होता है बर्तन रेडी करने लगा होता है, सेम देखिए, सही है। अब मैं आप इसको ना, आपको इसका हार्ट, इसकी हार्ट शेप बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसकी आपको हार्ट शेप भी रेडी करके दिखा दी है, सही हो गया। क्योंकि मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे न्यू क्रिएटिविटी करना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने हार्ट शेप भी आपके सामने यू सेकंड्स में रेडी कर दी है। तो इसी तरह आप इस तरह की डो बना के कोई भी फॉर्म में इसको ढाल सकते हो। मैंने तो ये तरीका इस्तेमाल किया, आप इसको किसी जो मॉल्ट होते हैं, जो सांचे होते हैं, उनके अंदर आप इसको रख के लिक्विड को ड्राई कर लें कुछ दिनों के लिए, और फिर वो खुद बहुत बाहर शेप्स आ जाएंगी। ये क्या कहते हैं, किसी भी सांचे में स्टक नहीं होंगी, ईजीली बाहर आ जाएंगी जब ये ड्राई होता है टेक्स्चर, तो ये भी कोई मसला नहीं है। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा सा लाइक करना इस ट्यूटोरियल को, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है इसको रेडी करने में। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप मेरी इस टेक्सचर को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।